मेरे साथ संबंधी चेतियो, ए हासी का है ठोर। पियु वतन आप भूल के कहां देखत हो और। प्रणाम सुंदर साहब जी। आज की इस चर्चा को मैं एक छोटी सी कहानी से आरंभ करना चाहूंगा। जो मैं कहना चाहता हूं इस दृष्टांत के माध्यम से सार रूप में स्पष्ट हो जाएगा। एक सच्ची घटना है। नेपाल की एक पहाड़ी की तरहटी में एक छोटा सा गांव था। बहुत कम लोग उसमें रहते थे। अलग अलग मान्यताएं थी उनकी। कोई राम का उपासक था, किसी की श्रद्धा श्री कृष्ण पर थी, कोई बुद्ध को अपना इष्ट मानता था, कोई महावीर को पूजता था, किसी की आस्था देवी पर थी, किसी की आस्था अन्य देवी देवताओं पर थी। उस छोटे से गांव में एक मंदिर बनाया गया। क्योंकि गांव में अलग अलग आस्था के लोग रहते थे, इसीलिए गांव के लोगों ने निर्णय किया कि इस मंदिर के अंदर सभी देवी देवताओं की और इष्ट की मूर्तियां स्थापित कर दी जाएं। सभी ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। मंदिर की स्थापना हुई। कुछ 15 से 20 मूर्तियां उस मंदिर के अंदर रख दी गई। राम की भी मूर्ति थी, कृष्ण की भी मूर्ति थी, देवी की भी मूर्ति थी, बुद्ध की भी मूर्ति थी, महावीर की भी मूर्ति थी। गांव के लोग प्रतिदिन उस मंदिर में आते। जिसकी आस्था जिस भी इष्ट पर होती, जिस भी देवता पर होती, वो उसको अपने पुष्प अर्पित करता, वहां पर दीपक जलाता और अपने घर लौट जाता। गांव में एक बुढ़िया थी। उसकी इच्छा थी बुद्ध के ऊपर, और जहां 15 मूर्तियां रखी गई थी, ठीक बीच में बुद्ध की एक मूर्ति रखी गई थी जो सफेद संगमरमर की बनी हुई थी। उस मूर्ति में ही एक सौंदर्य था, एक आकर्षण था जो सबको अपनी तरफ खींचता था। उस बुढ़िया की आस्था बुद्ध के प्रति थी। वो हर रोज मंदिर में जाती, बुद्ध के आगे अगरबत्ती जलाती, अपने पुष्प अर्पित करती और गांव में अपना लौट आती। एक दिन उस बुढ़िया ने देखा कि जो अगरबत्ती उसने जलाई उसका धुआं तो बुद्ध के साथ में जो महावीर की मूर्ति है उस पर भी जा रहा है। बुढ़िया को बड़ा दुख हुआ। बुढ़िया को लगा कि मेरी आस्था तो केवल मेरे इष्ट के प्रति है, इसलिए जो मैं अगरबत्ती जलाऊं तो उसका धुआं केवल बुद्ध ही उसके अधिकारी है। सामान्य रूप से धार्मिक लोग इतने संकीर्ण हो जाते हैं, वो अपनी अगरबत्ती का धुआं भी केवल अपने इष्ट तक सीमित रखना चाहते हैं। एक ईसाई को आप गीता दीजिए, उसको गीता में कुछ भी नजर नहीं आता। जो बुद्ध को मानता है उसे राम की कहानी सुनाइए, उसे कोई सारी नहीं दिखाई देता। उसे तुलसी की रामायण में, उसे मानस में कुछ दिखाई ही नहीं देता। अमूमन धार्मिक लोग इसी संकीर्णता का शिकार हो जाते हैं। बुढ़िया ने भी सोचा कि मेरी उपासना, मेरी अगरबत्ती का धुआं केवल बुद्ध तक जाए। बुढ़िया ने विचार किया, उसने एक तरकीब निकाली। उसने कागज की कीप बनाई और उसको अगरबत्ती के ऊपर रखना आरंभ कर दिया, और उस कीप के ऊपर एक छोटा सा छेद था। अब उस छेद के माध्यम से जो धुआं था वो केवल केवल बुद्ध की तरफ जाता। बुढ़िया को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरी आराधना तो केवल बुद्ध के लिए। लेकिन बुढ़िया भूल गई कि वो जो धुआं था वो सीधा बुद्ध के मुख तक पहुंच रहा था। और ठीक एक महीने बाद, जिस दिन से बुढ़िया ने करना शुरू किया, पूर्णिमा के दिन उस गांव में एक शोभा यात्रा निकाली जानी थी, जिसमें सभी मूर्तियों को गांव के अंदर शोभा यात्रा के अंदर दिखाया जाना था। हर रोज बुद्ध का जो मुख था, बुढ़िया की जलाई हुई अगरबत्ती का धुआं बुद्ध के मुख पर पड़ता। और एक महीने बाद जब उस मंदिर में से बुद्ध की मूर्ति को बाहर निकाला गया तो बुद्ध का चेहरा काला पड़ चुका था। गांव में हर कोई देख करके हैरान, बुढ़िया भी देख करके हैरान। अक्सर ऐसा ही होता है। आपने अब्बासी बंदर की बीतक सुनी होगी। सृजी वहां पधारते हैं
सुंदर सास महिलाएं आती हैं, उनके पुरुष उन्हें जाने से रोकते हैं। महिलाएं कहती हैं कि इस देश में कोई बुद्ध पुरुष आता ही नहीं है। ये घटना बासी बंदर की नहीं है, ये घटना इस संसार की है। पहले तो इस संसार में कोई बुद्ध पुरुष अवतरित ही नहीं होता। सदियां बीतती हैं, वर्ष बीतते हैं, तब जाकर के उस आलोक के दीप से कोई प्रकाश की किरण इस संसार में उतरती है। कोई बात करता है, कोई अपनी इंद्रियों से परे हो जाता है, कोई अपनी देह से परे हो जाता है और उस बुद्धत्व की अवस्था को प्राप्त करके उस देहातीत अनुभव की संसार में बात करता है। और जब जब ऐसा विरला संसार में विचरता है, उसके आसपास एक सौहार्द पैदा होता है, उसके आसपास एक आनंद बरसने लगता है, उसकी जो वाणी है वो सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है, लोग उसके सामने नतमस्तक होते हैं। लेकिन जैसे ही एक प्रज्वलित होता हुआ दीपक यदि बुझ जाए तो उसके माध्यम से जो प्रकाश फैला वो उसी समय समाप्त हो जाता है। जैसे कोई फूल कमल का झड़ जाए तो उसकी सुगंधि जो है उसी समय बिखर जाती है, खो जाती है। उसी तरह कोई बुद्ध पुरुष अपने साथ कोई पार की बात लेकर के आता है, कोई देहातीत बात करता है, कोई इंद्रियों से परे की बात करता है, लेकिन जैसे ही वो इस संसार से जाता है उसके साथ साथ उसका सौहार्द, उसके साथ साथ उसका आनंद, उसके साथ साथ उसका प्रेम भी समाप्त हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक भीड़ इकट्ठी होती है, भीड़ बनाती है, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े गिरजाघर, बड़े बड़े मंदिर और बड़े बड़े मठ। मंदिर चमचमाने लगते हैं, मठ चमकने लगते हैं, लेकिन उसने जो सिद्धांत दिया था उन सिद्धांतों की इमारत हर रोज जर्जर होती जाती है। भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है, जन समुदाय इकट्ठा होने लगता है, लेकिन उसके जो सिद्धांत थे, उसकी जो शिक्षाएं थी वो बिखर जाती हैं। और अंतोगत्वा क्या होता है कि उनके जो अनुयायी होते हैं वो संकीर्णताओं की ऐसी पगडंडी पर उतर जाते हैं, उस बुढ़िया की तरह ऐसे कृत्यों को करते हैं कि अपने इष्ट की जो संगमरमर के जैसी सफेद आभा है उसको ही कलुषित कर देते हैं। ए हासी का है ठोर, यदि भारतवर्ष के इतिहास को देखा जाए तो मुझे कई बार यह आश्चर्य होता है कि इस देश के अंदर जो आध्यात्मिक संस्कृति पैदा हुई, मैंने कई पश्चिम के विचारकों की किताबों को पढ़ा है, अधिकतर पश्चिम के विचारक ये मानते हैं कि यह देश धन्य है कि इस देश के नक्शे पर भारत जैसा देश है जिसने संस्कृति के रूप में, जिसने अध्यात्म के रूप में, जिसने ब्रह्म के रूप में, जिसने जीव और चेतना के रूप में एक ऐसा बड़ा योगदान इस संसार को दिया है, भारत के प्रति नतमस्तक हैं। लेकिन भारत के लोगों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि वो अपनी संस्कृति को ही कलुषित कर डिम डिम घोष कर रहे हैं। आज चारों तरफ आपको लग रहा है कि धर्म की दुंदुभी बज रही है, सनातन का डंका बज रहा है, लेकिन यदि आप यथार्थ को जानेंगे आपको लगेगा कि जो वर्तमान में धर्म का परिप्रेक्ष्य हमारे सामने है उसका हमारी मौलिक संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। हजारों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले जब वेद का ज्ञान इस संसार में अवतरित हुआ, वेद के ऋषियों ने संसार के लोगों को कहा शृण्वन्ते विश्वे अमृतस्य पुत्रः, कि तुम दीन नहीं हो, तुम हीन नहीं हो, अमृतस्य पुत्रः, इस बात का स्मरण रखो कि तुम अमृत की संतान हो। उपनिषद कहते थे, विवेकानंद भी हमेशा कहा करते थे कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानिबोधत, कि मनुष्य तू उठ, तू खड़ा हो, तू कर्म कर और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं कि कली सयानो भवती संजय हान तु द्वापरः उत्तिष्ठत त्रैतो भवती, कि जो कलयुग है, सतयुग है, द्वापर युग है, ये तेरे ही हाथ में है,
आज भी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा समुदाय है जो आस लगा करके बैठा है कि इस धरती पर सतयुग अवतरित होगा। इस धरती पर अब कोई सतयुग अवतरित नहीं होगा। हर व्यक्ति को अपना सतयुग खुद निर्माण करना है। कली सयानो भवति, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं कि जब तू निद्रा में है, जब तू आलस्य में है, जब तू तमस में है, तो तू अपने जीवन के कलयुग में है। तू उठ करके बैठ। जिस दिन तू उठ करके अंगड़ाई लेगा, तेरे जीवन का सतयुग द्वापर युग शुरू हो जाएगा। जिस दिन तू खड़ा होकर के अपने कदम बढ़ाने लगेगा, उसी दिन तेरे जीवन में त्रेतायुग लौट आएगा। और जिस दिन तू दौड़ लगाएगा, उसी दिन तेरे जीवन का सतयुग आरंभ होगा। वाणी भी कहती है, सूता हो सो जागी हो, जागा सो बैठा होए, बैठा ठाडा होई हो, ठाजा पांव भर आगे सोए। कर्म के ऐसे ऊंचे सिद्धांत इस देश को, इस देश के धर्म शास्त्रों में मिले हैं। और 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य उपदेश दिया है, योगेश्वर श्री कृष्ण का कर्म तो कर्म से भी ऊपर होकर के दिव्य कर्म बन गया। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि अर्जुन तू अब कर्म की फल की इच्छा को भी छोड़, तू कर्म कर। जीवन के इस संग्राम में तू प्रतिक्षण मुझे समर्पित होता चल। कितनी महान ऊंची बातें हैं। इस देश का हर धर्म शास्त्र इस देश के नागरिकों को कह रहा है कि तुम दीन दुर्बल नहीं, तुम अमृत की संतान हो। कर्म के पथ पर अपने पग बढ़ाओ। लेकिन मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य होता है, इस देश के अंदर हिंदू समाज गले में ताबीज पहनता है, गले में मालाएं पहनता है, कभी मंदिरों में जाकर के सिर पटकता है, कभी मजारों पर चादरें चढ़ाता है। बहुत से ऐसे चैनल्स हैं सुबह से लेकर के शाम तक, कोई मोती बेच रहा है, कोई माणिक बेच रहा है, कोई अंगूठी बेच रहा है, कोई यंत्र बेच रहा है, कोई तंत्र बेच रहा है, कोई मंत्र बेच रहा है। आपने देखा है मंदिरों के बाहर भीड़? ये भीड़ किन की है? जो कर्म नहीं करना चाहते, कर्म के बगैर अपने देवता के सामने फल लेने आए हैं। मैंने अखबार में कई बार खबरों को पढ़ा है कि साईं के भक्त मंदिर में लगी भक्तों की भीड़, देवी के मंदिर में लगा भक्तों का तांता, बालाजी के मंदिर में लगा भक्तों का जन सैलाब। मेरे मन में एक बार विचार आया कि जिस संपादक ने अखबार में इन सुर्खियों को लिखा है, मैं उन्हें एक बार नारद भक्ति सूत्र भेजूं। भक्ति क्या है? भक्त किसे कहा जाता है? नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र के अंदर भक्ति की इतनी सुंदरतम व्याख्या की। नारद जी कहते हैं, अथातो भक्ति व्याख्या सहा महा, मैं भक्ति की व्याख्या करता हूं। भक्ति क्या है? सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा आनंद स्वरूपा यत लब्धवो पुमान सिद्धो भवति आनंदो भवति तृप्तो भवति यत प्राप्य न किंचित काम्यति न शोचति यत लब्धवा आनंदो भवती तृप्तो भवती। भक्ति तो वो परम पराकाष्ठा है जिसके अंदर एक भक्त की सारी मांग तिरोहित हो जाए, जहां इष्ट के अलावा कोई दूसरा बचे ही ना। जिस दिन इस देश के अखबार चलाने वाले भक्ति के इस सूत्र को जान जाएंगे, उस दिन अखबार की सुर्खियां बदल जाएंगी। क्योंकि जो मंदिर में एक नारियल और एक फूल की माला लेकर के आया है, वो एक व्यापारी की तरह आया है कि जो अपने इष्ट को कुछ समर्पित करके उससे कुछ मांग रहा है। उस दिन वो लिखेंगे कि मंदिर में लगी हजारों व्यापारियों की भीड़। मुझे कई बार हंसी आती है। मैं सुंदर साथ के घरों में भी जाता हूं। घरों के बाहर सुंदर साथ ने जूते लटकाए हैं, गाड़ियों के पीछे जूते लटकाए हैं। पूछा जाए किस लिए? नजर से बचने के लिए। यदि घर पर जूता लटकाने से और गाड़ी के पीछे जूता लटकाने से नजर से बचते हैं, तो गाड़ी और घर से ज्यादा कीमती तो हमारा जीवन है। तो ये सज्जन अपने गले में जूता लटका करके क्यों नहीं घूमते? यहां पर भी जितनी महिलाएं बैठी हैं, सभी महिलाओं ने, अधिकतर महिलाओं में कहीं ना कहीं कोई काला धागा बांधा होगा। मैंने सुंदर साथ के घरों में देखा है, सुंदर साथ हाथ में देते हैं कि आप बांध दीजिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। परमात्मा ने हजारों काले केश के रूप में धागे आपके सिर में दिए,
यदि वो हजारों धागे मिलकर के आपकी रक्षा नहीं कर सकते तो एक काला जड़ धागा क्या करेगा। यही इस समाज की सबसे बड़ी हंसी है और मुझे बड़ा दुख भी होता है। यजुर्वेद की वाणी कहती है यजमानस्य पशुन पाही, कि पशुओं की रक्षा करो, डोंट किल एनिमल्स। और हिमाचल में एक छिन्नमस्ता का मंदिर है, आप देखेंगे कि देवी के एक हाथ में खड़ग है और एक हाथ में शीश है जिससे खून की दो धाराएं निकलती हैं। देवी की दो सहेलियां हैं, एक का नाम है जया, एक का नाम है विजया, और उन दो खून की धाराओं से उन दोनों सहेलियों का पेट भरता है। उत्तराखंड में बंखूर काली का एक मंदिर है जहां पर जब बलि दी जाती है तो एक तालाब खून से भर जाता है। नेपाल के अंदर गड्डी माई में 1 से लेकर 1.5 लाख भैंसों को काट दिया जाता है। मैं दिल्ली में रहता था, मुझे दिल्ली में देख करके आश्चर्य होता था कि इतने बड़े लिखे लोग वहां पर देवी का मंदिर है, मंदिर में जाकर के शराब चढ़ाते थे और उसकी फोटो खींच करके अपने फेसबुक पर लगाते हैं, अपने व्हाट्सएप पर लगाते हैं। भैरव के मंदिर में शराब चढ़ाई जा रही है, सिगरेट चढ़ाई जा रही है। वेद की वाणी पूछती है कि ये कैसे देवता हैं, कैसे देवताओं का रूप समाज के सामने हिंदू समाज प्रस्तुत कर रहा है, जो मांस चबाते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो शराब पीते हैं। यदि यही देवत्व है तो फिर असुरत्व की परिभाषा क्या है। यही इस समाज की सबसे बड़ी हंसी का कारण है। आप विचार कीजिए, इतना बड़ा भारत देश, हूण आए उन्होंने हमें जीता, उन्होंने हम पर राज किया, मुगल आए उन्होंने हम पर राज किया, अंग्रेज आए, इंग्लैंड कितना बड़ा है, गुजरात से भी छोटा, चंद लोग आए और उन्होंने इस पूरे भारत को कब्जा कर लिया। देह पर कब्जा नहीं होता, जिस देश के लोगों ने अपनी आत्मा को बेच दिया, जिसके देश के लोगों ने अपनी संस्कृति को दरकिनार कर दिया, जहां ज्ञान शून्य हो गया वहीं पर ऐसा संभव हो सकता है। कुछ दिन पहले मैं देश के एक बहुत बड़े आचार्य का भाषण सुन रहा था, हिंदू समाज में बहुत बड़ी पदवी पर वो हैं। वो कह रहे थे कि स्त्री को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं। मुझे सुनकर के बड़ी हंसी आई, मेरे मन में यही बात उठी कि इस देश का संविधान एक स्त्री को देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति के पद पर बिठा सकता है। इस देश का विज्ञान सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला जैसी औरतों को अंतरिक्ष में भेज सकता है, लेकिन धर्म का जो क्षुद्रतम रूप ये तथाकथित धर्माचार्य प्रस्तुत करते हैं, वो इस देश की स्त्री को एक मंत्र पढ़ने की भी इजाजत नहीं देता। यही सबसे बड़ी हंसी है, यही सबसे बड़ा विचार करने योग्य तथ्य है। विचार कीजिए कि यदि आज अग्नि, आदित्य, अंगिरा जैसे महान ऋषि जिनके माध्यम से वेद अवतरित हुए, यदि आज श्वेत केतु, यदि आज नचिकेता जैसे ऋषि संसार में उतर आए, यदि आज कणाद आ जाएं, यदि आज बृहस्पति आ जाएं, वो इस समाज की अवस्था को देखें तो उनकी आंखों से आंसू भरने लगेंगे कि क्या हमने इस संस्कृति के रूप में देश को दिया। कौन सा उज्जवल संगमरमर की मूर्ति जैसा श्वेत उज्जवल अध्यात्म हमने इन्हें सौंपा, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि इस बुढ़िया की तरह इस देश के लोगों ने भी उस उज्जवल संगमरमर के जैसी संस्कृति को कलुषित कर दिया। यह सबसे बड़ी हासी है और निजानंद समाज भी इसका कोई अपवाद नहीं है। बहुत कटु बात है लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, श्रीजी मध्यकालीन भारत में आते हैं, श्रीजी ने जो निजानंद इस समाज को दिया, इस देश को दिया, ये कोई संप्रदाय विशेष नहीं था जिसे आज केवल एक मंदिर में सेवा पूजा तक सीमित कर दिया गया है। श्रीजी ने ये जो वाणी दी ये उस समाज के अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति की तरह थी। चारों तरफ दुंदुभी बज रही है जड़ पूजा की, चारों तरफ हाहाकार मचा है अंडंबर का, अंधविश्वास का। उस समय सृजी सत्य की पताका लेकर के खड़े होते हैं। सृजी का कथन है
कि आज सत कहना सो कहो। लेकिन वो जो महान विरासत हमें प्राप्त हुई, वो जो महान निजानंद हमें प्राप्त हुआ, बड़े दुख की बात है कि आज वो सिमट करके एक मंदिर की सेवा पूजा तक सीमित रह गया। मैं अमेरिका में गया, वहां पर मेरा प्रवचन था। मुझे बताया गया कि आपका प्रवचन है, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो सामने वाणी रखी हुई थी। मेरी जेब में रुमाल नहीं था और मैं वाणी के सामने बैठ करके प्रवचन ही कर रहा था। लेकिन सिर पर रुमाल ना हो, कितनी बड़ी बात हो गई। लोग कुछ कुछ कहने लगे। सोनिया जी यहां बैठी होंगी, उन्होंने मुझे मैसेज भेजे, क्योंकि उस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हो रहा था। सोनिया जी ने मुझे मैसेज भेजे कि लोग गालियां लिख रहे हैं। मैं यही विचार कर रहा था कि इस समाज के लोग भूल जाते हैं, मेहर सिंहासन बैठत और मेहर चवर सिर छत्र। हर रोज हम गाते हैं कि मुझे तो मेरे धनी ने मेहर के सिंहासन पर बिठाया है, मेरे सिर पर आपकी मेहर का छत्र है और आपकी मेहर के चवर मेरे दोनों तरफ डोल रहे हैं। बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान, जिसके सिर पर सुभान हो, जिसके सिर पर सुभान की मेहर का छत्र सजा हो, वहां पर दो उंगली रुमाल नहीं रखने से जिनकी श्रद्धा, जिनका समर्पण समाप्त हो जाए, तो वहां विचार करने योग्य बात है कि कौन सी हकीकत और मारिफत की बातों को हम संसार में दावे के साथ कहते हैं। ऐसी अनेक सी बातें हैं। एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि यूरोप के एक गांव में कई सालों से वर्षा नहीं हुई। वहां पर एक पुजारी था, उसने पूरे गांव में घोषणा करा दी कि कल सुबह सब मिल करके आना, हम सब मिल करके प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा वर्षा करे। अगले दिन 9 बजे का समय रखा गया, रविवार का दिन। गांव के सब लोग इतने दिन से प्यासे थे कि वर्षा कब होगी, कब हमारी फसलें पनपेंगी। हर कोई आया, एक एक व्यक्ति आया, बच्चा आया, बूढ़ा आया। लेकिन जैसे ही वो पुजारी के सामने आए, मंदिर में पहुंचे, पुजारी ने उनसे कहा कि आपके छाते कहां हैं? छाते? ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि हम वर्षा मांगने जा रहे हैं, वर्षा के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्या पता वर्षा हो ही जाए। पुजारी ने कहा तुम्हारे छाते नहीं है, इसका मतलब तुम्हें यकीन ही नहीं है कि तुम प्रार्थना करोगे और तुम्हारी प्रार्थना को कोई सुन ले। पुजारी ने कहा कि जहां यकीन नहीं, जहां श्रद्धा नहीं, जहां समर्पण नहीं, जहां दर्द नहीं, ऐसे लोगों की पुकार परमात्मा कभी नहीं सुनता। अब कोई प्रार्थना नहीं होगी, आप अपने अपने घर में लौट जाओ। यही अवस्था हम सब की है। मैं मंदिरों में देखता हूं सेवा पूजा करते हुए। मैं ये नहीं कहता कि सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए, सेवा पूजा परमहंसों की लिखी हुई है, आप एक बार नहीं दिन में 100 बार उसको गुनगुनाइए। लेकिन मेरे मन में सदैव ये विचार उठता है, हम सुबह गाते हैं आओ जीवाला मारे घेर। किसी दिन उठे थे इंद्रावती जी के हृदय में ऐसा दर्द, उन्होंने गाया था कि हे प्रियतम अब आप मेरे हृदय में आइए। हम सब उसका आह्वान करते हैं। मैं अमूमन सभाओं में देखता हूं आओ जीवाला प्रीतम को बुलाया जा रहा है। जो लोग गा रहे हैं 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर कोई उमंग नहीं, जिनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं। किसे बुलाया जा रहा है, किसका आह्वान किया जा रहा है? जो राजाओं का राजा राज है उसे पुकारा जा रहा है, लेकिन चेहरे पर कोई उमंग नहीं, चेहरे पर कोई खुशी नहीं। हम कहते हैं कि कल कलीने कहूं छू तमने। कल कलीने का मतलब क्या है कि हम रो रो करके आपको पुकारते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि किसी की आंखों से एक आंसू भी नहीं बहता, क्योंकि हमने जान लिया है कि वर्षों से हम करते आए हैं, इससे कुछ होना तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक परिपाटी है जिस पर सब चलते जा रहे हैं। मैं बहुत बार कहता हूं सुबह की आरती में हर कोई गाता है सुख कौ निधान, कि आप सुख के निदान हैं, जुगल पिया जी सो जोड़े दृष्टि, आपसे मेरी दृष्टि जुड़े तो ये सुख का निदान। लेकिन हमारा जीवन गवाही है, हमारा दिन गवाही है कि 24 घंटे हमारी दृष्टि किससे जुड़ती है, सुख के निदान से
या संसार से जुड़ती है। आप बाजार में जिस उमंग से उतरते हैं, कभी आपने विचार किया है कि मंदिर में आते हुए पांव में वैसी गति नहीं होती? सुबह चितवनी में लोग आते हैं थके हारे मांदे, चेहरे पर इतनी उदासी। चितवनी शुरू होती है, कुछ 20-30% लोग पूरी चितवनी तक बैठ पाते हैं। किसी की कमर दुखती है, किसी का सिर दुखता है, कोई पूरा लेट जाता है। सेवा पूजा में हम गाते हैं, अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को करूं प्रणाम। इसका मतलब क्या है? दिलीप जी मुझे बता रहे थे कि नेपाल में कुछ सुंदर साथ हैं, उन्होंने अपने घर में वास्तव में लकड़ी की एक लाठी रख ली। वो सेवा पूजा करते हैं तो लाठी हाथ में लेकर के सबको प्रणाम करते हैं। अद्वैत की लाठी का मतलब क्या है? कि मैं सबको एकत्व की भावना से देखूं। अद्वैत की लाठी को उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। अद्वैत की लाठी उठा सकते हैं लालदास, अद्वैत की लाठी को हाथ में ले सकते हैं महाराजा छत्रसाल, जो कहते हैं कि श्रीजी जो आप पर ईमान लेकर के आए, छत्ता उस पर अपना तन मन और धन कुर्बान करता है। हम बस गाए जा रहे हैं, एक तोता पाठ हो रहा है, एक रटे जा रहे हैं बातों को, उसमें कोई भाव नहीं, उसमें कोई सार नहीं। किसी दिन उठी थी महाराजा छत्रसाल के हृदय में उमंग, उन्होंने पहचाना था अक्षरातीत को। उन्होंने गाए थे पद आरती करत श्री जियावर रानी, उन्होंने कंचन थाल सजाए थे। कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में लोगों ने मुझसे पूछा कि जिस दिन पाठ की पूर्णा होती होती है उस दिन एक मुखी आरती करनी चाहिए या पांच मुखी आरती करनी चाहिए? एक बार आरती करें, तीन बार करें कि पांच बार करें? अब उसमें बूढ़ी महिलाएं हैं 70 साल की, जो 50 साल से गा रही हैं हर रोज सेवा पूजा में। मैंने उन्हें कहा कि यहां एक मुखी आरती, पांच मुखी आरती, एक बार, पांच बार, 10 बार से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तन दीपक मन ज्योति करूं प्रेम घृत लो ल्याए। यहां तो तन को दीपक बनाना पड़ता है, मन की ज्योति बनानी पड़ती है। आपने कपास को देखा है? कपास खेत में खिलती है, लेकिन कपास के उस फूल को सबसे पहले उस डाली से खींच करके जुदा कर दिया जाता है, फिर उस किताब, फिर उस कपास के फोहे से उसके बीजों को जुदा किया जाता है, फिर उस कपास को पीटा जाता है और फिर उसको वलेट करके एक ज्योति बनाई जाती है। संत सासना सहत है जैसे सहत कपास, संत सासना सहत है जैसे सहत कपास, कि जो इस तरह से अपने मन को, अपने मन के सारे जीव के सारे विकारों को बीज की तरह जुदा कर दे, जो उसे धुन दे, जो उसे वलेट करके एक ज्योति बना दे, उसके यहां पर सजता है थाल। और उसके बाद भी जो उसमें डाले प्रेम रूपी घृत, तब जाकर के कोई आरती होती है उस जियावर की। यदि हमने ऐसा दीपक बनाना नहीं सीखा, यदि हम उस साहेब से जियावर का संबंध ही ना जोड़ पाए, तो सारे कंचन थाल सूने रह जाएंगे। जिस बाहरी पूजा की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, वो श्रीजी की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। यही तो सारा झगड़ा था। श्रीजी लाठी बंदर में जाते हैं, श्रीजी नलिये में जाते हैं, सूरत में जाते हैं, विरोध क्या था सबकी? यही तो श्रीजी से एक बहस थी कि आप हमारी तरह गेरुआ नहीं पहनते, आपके गले में हमारी तरह तुलसी की मालाएं नहीं है, आपने चंदन तिलक नहीं सजाए, आप हमारी तरह श्रृंगार नहीं करते, आप हमारी तरह द्वादशी के व्रत नहीं रखते, आपका जो भोजन है उसको चोका नहीं दिया जाता, आप दिन में 7 बार स्नान नहीं करते। यही तो श्रीजी ने कहा कि चाहे द्वादशी के कितने व्रत कर लिए जाएं, कोई बढ़ाओ, कोई मुंडाओ, कोई खेच काढ़ो केस, कोई व्रत करो द्वादश के, कोई सीखो संस्कृत, कोई साधो जोगारंभ, 4 बार चोका देओ, 7 बार स्नान करो। श्रीजी कहते हैं कि ये जो सब कुछ है ये शरीर तक सीमित है। श्रीजी ने कहा अध्यात्म का जो सारा केंद्र है वो मन पर केंद्रित है। मनुआ दिए बिन हाथ ना आवे, सत की बड़ी ठकुराई। ये सारा खेल ही मन का है, लेकिन हम ढूंढते हैं उसको बाहर।
बाहर झाड़ी पर एक फूल खिला है, गुलाब के फूल को हम तोड़ लाते हैं, अर्पित करते हैं राज जी को, लेकिन हम कभी ये विचार नहीं करते कि मनुष्य की झाड़ी पर भी एक फूल खिलता है, उस फूल का नाम है प्रेम। किसी दिन तो उस प्रेम को अर्पित किया जाए, हमारे मन में कभी ये विचार नहीं आता। यही सबसे बड़ी हासी है, इतना ज्ञान मिलने के बावजूद आज भी समाज वही खूंटों से सृजिन है जिन्हें हमें मुक्त किया, उन्हीं खूंटों पर जाकर के हंसी हंसी अपने आप को बांधने के लिए तैयार है। यही सबसे बड़ी हासी है, साथ संबंधी चेतियो ए हासी का है ठौर। सृजिन ने जो उज्जवल विचारधारा हम सबको दी है, आज आवश्यकता है कि हम सभी सुंदर साथ मिलकर के उस विचार की रक्षा करें। वो जो महान विचार है, वो जो महान विरासत है, वो हमारे हृदय में सुरक्षित रहे। एक और छोटा सा उदाहरण मैं आप सबको देना चाहूंगा कि एक अंधेरी रात में एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर घनघोर अंधकार था, प्रकाश की आवश्यकता थी। प्रकाश कैसे पैदा हो? एक दंपत्ति उसमें रहता था, महिला और पुरुष, उनके 3 बेटे थे। पहले बेटे ने सोचा कि मेरे पास प्रकाश को करने का उपाय है। उसने एक कागज लिया, एक कलम ली, बाहर चंद्रमा की रोशनी में गया, उसने कागज पर लिखा दीपक और उस दीपक को लाकर के झोपड़ी में टांग दिया। क्या झोपड़ी में प्रकाश होगा? नहीं होगा। दूसरा बेटा और अधिक समझदार था, उसने अपने रंग उठाए, उसने भी एक कागज लिया, वो बाहर गया, उसने दीपक की आकृति बनाई जिसमें से बहुत प्रकाश निकलता था। वो उस चित्र को लेकर के आया, उसने झोपड़ी के एक दीवार पर उस चित्र को सजाया, लेकिन फिर भी झोपड़ी में प्रकाश नहीं हुआ। पिता बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े थे। पिता ने दीपक की चर्चा आरंभ की, दीपक के विषय में 1 घंटे तक व्याख्यान दिया, लेकिन क्या झोपड़ी में प्रकाश होगा? नहीं होगा। फिर जो मां थी वो संगीत में बहुत निपुण थी, उसने फिर एक राग सजाया, उसने संगीत की महिमा गाई, दीपक की महिमा गाई, दीपक पर एक भजन बनाया, लेकिन फिर भी झोपड़ी में प्रकाश नहीं हुआ। लेकिन एक अबोध बालक था, वो सोचते थे कि ये तो अबोध है, इसे कुछ समझ नहीं। वो अबोध बालक उठता है, एक दिया उठाता है और उसको रोशनी से जला देता है, तुरंत झोपड़ी में प्रकाश हो जाता है। ना नाम से प्रकाश होगा, ना चित्रों से प्रकाश होगा, ना बड़े बड़े व्याख्यानों से प्रकाश होगा, और ना ही संगीतमय धुनों से प्रकाश होगा। प्रकाश होगा जब हम अपने हृदय में उस दीपक को प्रज्वलित करें। मैं आप सभी सुंदर साथ से आवाहन करता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि 7 दिन के बाद आप अपने अपने घरों में लौट जाएंगे। हम सबके ऊपर एक ऋण है श्री जी का। वाणी कहती है, किन बदबोए में होते अब आई कौन खुशबोए, कि तुम कहां थे, तुम्हें खींच करके कौन कहां ले आया। लेकिन एक परंपरा जो मैं देखता हूं साधारण रूप से सुंदर साथ जुड़ता है, उसके मन में वाणी के प्रति आकर्षण है, वो वाणी की बातों को चित्त देकर के सुनता है, लेकिन धीरे धीरे सबके मन में कठोरता आती जाती है। मैं अनेक ऐसे सुंदर साथ को देखता था, जब चर्चा होती थी तो उनके आंखों से आंसू बहते थे, अब उन सब की आंखों के आंसू सूख गए, अब प्रेम विदा हो गया, क्योंकि दीपक का नाम लिया गया, दीपक के चित्र बनाए गए, दीपक पर बड़े बड़े व्याख्यान हमने दिए, दीपक पर हमने बहुत भजन गाए, लेकिन एक भूल जो हुई, दीपक को हृदय में प्रज्वलित करना हम भूल गए। दीपक को हृदय में प्रज्वलित करने का मतलब क्या है कि जो सिद्धांत है उनको हम अपने जीवन में उतारें। जब सृजी पहुंचते हैं जयराम भाई कंसारा के यहां पर, सृजी जयराम भाई कंसारा को कहते हैं कि बोए ना आवत तुम में, ना चर्चा ना चितवन। सृजी जयराम भाई कंसारा से कहते हैं कि जयराम, तुम्हारे अंदर से मुझे कोई सुगंधि ही नहीं आती, वो सुगंधि जो तुमने देवचंद्र जी जैसे चंदन के साथ रह करके समेटी, तुम्हारी वो सुगंधि खो गई, तुम्हारे जीवन से अध्यात्म की कोई किरणें नहीं निकलती, तुम्हारे जीवन से कोई प्रेम की सुगंधि पैदा नहीं होती। मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि ज्ञान की बातों को अधिक सुन करके हमारे जीवन की सुगंधि खो जाती,
क्योंकि ज्ञान को हम केवल कंठ तक सीमित रखते हैं। कल भी स्वामी जी ने जो सुबह चर्चा की उसका सार यही था कि सेवा पूजा हो लेकिन वो प्रेममयी सेवा पूजा हो। हम अक्षरातीत के सामने बाहें फैलाएं। मैंने कहा कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार है सृजी का। इस उपकार को कोई कोई समझेगा। मेड़ते में सृजी आते हैं, हजारों सुंदर साथ की भीड़ लगी है राजा राम झांझन भाई के यहां पर, लेकिन एक ललिता सखी ही तो खड़ी होती है और वो हाथ उठा करके कहती है, कोटि बेर ललिता कुर्बानी, कि सृजी आपने जो अध्यात्म दिया, आपने ये जो ज्ञान मुझे दिया, आपने जो मेरी आत्मा को निर्मल किया। ललिता सखी कहती है कि करोड़ों जन्म मिले, मैं करोड़ों बार ललिता बनूं और करोड़ों बार आप मेरे साहेब बनकर के मेरी चौखट पर आए। ललिता सखी हंसते हंसते आप पर अपना जीवन न्यौछावर कर। आज समय है कि हम बहिर्मुखी उपासना को छोड़ करके भीतर की तरफ लौटें, हम अपने भीतर प्रवेश करें। सृजी ने जो हमें ऊंचा ज्ञान दिया है उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। अनेक हमने दीपक जलाए, अब हम एक दिन सृजी के आगे झुकें, सृजी से यही मांगे कि सृजी आपका बहुत बड़ा उपकार, आप मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मैं अपने तन को दीपक बनाऊं, अपने मन की ज्योति बनाऊं और अपने प्रेम रूपी घृत को उसमें डालूं। एक रात ऐसी भी आए जब हम बैठे हों सृजी के सामने, मांगे उनसे कि सृजी आपकी अपार अनुकंपा, मैंने फूल तो आपको बहुत चढ़ाए, अब आप मुझे ऐसा सामर्थ्य दो कि मैं अपनी झाड़ी पर जो प्रेम रूपी पुष्प चढ़ता है उसे आप पर चढ़ाऊं। हम सृजी के सामने नतमस्तक हों, हम उनसे कहें कि सृजी आप हमें भी वो सामर्थ्य दो जो एक दिन देवचंद्र जी के मध्य उतरा था, जब हजारों कई सैकड़ों किलोमीटर के दायरे को देवचंद्र जी ने हंसते हंसते कहा था कि मैं पैदल चला आऊंगा अपने पांव से। हम भी सृजी से मांगे कि सृजी हमें ललिता सखी जैसा समर्पण दो, हमारे हृदय से भी लालदास जैसी सुगंधी पैदा हो, हमारे जीवन से भी महाराजा छत्रसाल जैसा समर्पण पैदा हो। यदि हमने ऐसा किया, यदि हम ऐसा कर पाए, तभी वास्तव में हमारा ये जो फेरा है ये सफल होगा और हम हांसी के पात्र नहीं बनेंगे। लेकिन यदि वही सालों से चलती आ रही परंपरा पर की पगडंडी पर ही हम चलने लगे तो निश्चित रूप से हमारी हांसी होगी। यही मैं आपको चेता रहा हूँ, यही वाणी का ये कथन हमें चेता रहा है कि सात संबंधी चेतियो हांसी का ए खेल। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, मैंने सुबह भी कहा था कि समय का प्रवाह किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। पिछले वर्ष को सुंदर साथ यहां आए, आज नहीं आए, संसार को छोड़ करके चले गए। आपको लगता है कि अभी तो जीवन में समय है, कल कर लेंगे। मैं देखता हूं यहां पर अमेरिका से सुंदर साथ आए हैं, कनाडा से सुंदर साथ आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से सुंदर साथ आए, नेपाल भूटान से सुंदर साथ कई घंटों की यात्रा करके आए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां पर कुछ मिल रहा है, यहां कुछ बरस रहा है। लेकिन समीप में ही 4 घंटे का रास्ता दिल्ली है, वहां से सुंदर साथ ज्यादा यहां नहीं आते और आएंगे भी तो सुबह और शाम को लौट जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां तो कुछ मिल ही नहीं रहा। सुंदर साथ जी, हम सब के पास थोड़ा सा अवसर है, थोड़ी सी ऊर्जा है। संसार में तो हमने इस ऊर्जा को बहुत दौड़ाया, हमेशा ऐसा नहीं है कि इस जीवन में संसार में हमने परमात्मा से संसार की कामना की। न जाने कितने जन्म हमारे बीते, कितनी बार हम इस संसार में आए, हर बार हम इस संसार को ही मांगते रहे, लेकिन आज तक इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इतना जो समय हमें मिला है, अब हम झुक करके परमात्मा से, केवल परमात्मा को माने। मैं जब भी एक वाणी की बात किसी को बताता हूं, मैं यही गर्व से बताता हूं कि सृजी ने इस संसार को बताया है कि प्रार्थना का उद्देश्य क्या है, परमात्मा से प्रार्थना में क्या मांगा जाए। ना चाहूं मैं मान बुजुर्गी, ना चाहूं खिदाब खुदाए, इश्क दीजियो मोहे आपनो, मेरो यहीं समुदाय। तो ऐसी महान संपदा हम सबके पास है, हम इस संपदा का लाभ लें,
निजानंद वह नहीं है जो केवल मंदिरों तक सीमित रह जाता है। निजानंद एक आध्यात्मिक क्रांति है जो बहिर्मुखी साधना को अंतर्मुखी करके एक ऐसे द्वार को खोलती है जिसमें क्षर से परे अक्षर से परे अक्षरातीत का प्रतिबिंब भी झलक सकता है। तो इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी के हृदय में विराजमान अक्षरातीत पार ब्रह्म को मेरे अनेक प्रणाम। प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।